नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट का तीसरा पार्ट, यानी कि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं 500 कंसेप्ट जो कि मैथमेटिक्स से संबंधित होंगे। और हर एक कंसेप्ट में हम एक क्वेश्चन हल कराएंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आपको हम हल करने के लिए होमवर्क के लिए देंगे, जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तो इसी तरह से हमारी सीरीज चलने वाली है। जैसे यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं आप, नौ नौ की सीरीज है और सबके पहले दशमलव लगा हुआ है। ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखते हैं। चलिए, तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पर देख सकते हैं 0.9, 0.99, 0.999 और हर बार 9 की संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके नंबर लिख देंगे इन्हीं के नीचे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह से लिख देंगे। अब क्या करना है, बिल्कुल यहाँ से ध्यान से समझेंगे, जो ये एक है यानी कि जो एक बार 9 है, इसकी 9 की 1 में गुणा करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। उसके बाद जो 2 है उसकी गुणा 9 में करेंगे, कितना होगा, 2 × 9 = 18 होगा और हासिल होगा 1। तो ये अगली वाली संख्या पर लिख देंगे इस तरह से। उसके बाद गुणा करेंगे 9 का 3 से, 9 × 3 = 27 और 1 उसमें ऐड कर देंगे जो हासिल वाला है, तो कितना होगा, 28। अब हासिल कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब 4 की गुणा 9 में करेंगे, 4 × 9 = 36 और 2 हमारा क्या है, हासिल का है, तो इसको जोड़ देंगे, कितना होगा, 38। अब हासिल कितना बचा, 3 बचा। अब 5 की गुणा 9 में करेंगे, 5 × 9 = 45 और 3 ऐड कर देंगे यानी कि 48। अब हमारा 4 हासिल हो गया, ठीक है। अब 6 की गुणा 9 में करेंगे, 6 × 9 = 54 और 4 = 58 कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि जो दशमलव है वो अधिकतम कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो 6 अंक हैं ये सबसे ज़्यादा अंक हैं और इन्हीं के बाद क्या है, दशमलव लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, जो आपका उत्तर आया है इसमें 6 अंक गिनेंगे दाएं तरफ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्हीं अंकों के बाद यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो आपका सही उत्तर होगा 5.888889। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, 0.7, 0.77, 0.777 और इस तरह से यहाँ पर 7 की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसको आप हल करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और हर रोज़ एक नया कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। सुबह में आपको मिलता है 5:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद शाम को मिलती है एक GK की क्लास, जो 6 बजे आपको मिलती है शाम को 6 बजे और उसमें एक कोई ना कोई टॉपिक होता है, एक टॉपिक एक वीडियो हम उस पर भी लाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़, बहुत अच्छे यहाँ पर GK के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। थैंक यू।